खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इंडिगो ने गंगा दशहरा पर दी बड़ी सौगात, अब फ्लाइट में भी ला सकेंगे गंगा जल, कैबिन बैग में ला सकेंगे 100 मिलीलीटर गंगा जल। वहीं चेक इन बैगेज में 5 लीटर तक गंगा जल लाने की अनुमति मिल गई है। इंडिगो की फ्लाइट में मिलेगी अब यह सुविधा, अभी तक गंगा जल लाने की अनुमति नहीं थी। और आज जब गंगा दशहरा का पावन पर्व है, लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं अपने परिजनों के साथ, डुबकी लगाते हुए भी हमने तस्वीरें आपके सामने रखी थी। और अब ये बड़ी सौगात उन श्रद्धालुओं को जो सदैव मन में ऐसे विचार रखते हैं कि हम अपने साथ गंगा जल लेकर के अपने घर जा सके, लेकिन फ्लाइट में क्योंकि इससे पहले तक ये सुविधा नहीं मिलती थी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। लंबे समय से माना जा रहा है कि इस फैसले पर विचार भी किया जा रहा था। 30 मई यानी आज मनाया जा रहा है पर्व। इस दिन गंगा नदी में लोग दिव्य स्नान करते हैं, दान पुण्य आदि किया जाता है और माना जाता है, क्योंकि देखिए हर पर्व से एक विशेष मान्यता जुड़ी होती है। आज के दिन जो लोग दिव्य स्नान करते हैं, माना जाता है इससे 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए, श्रद्धालुओं का जमघट गंगा किनारे। और देखिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं ताकि उन यात्रियों को अब सुविधा मिले जो कि गंगा जल अपने साथ लाना चाह रहे थे, कैबिन बैग में ला सकेंगे 100 मिलीलीटर गंगा जल। हालांकि एक सीमा यहां निर्धारित कर दी गई है, 100 मिलीलीटर गंगा जल आप अपने साथ ला सकते हैं। वहीं चेक इन बैगेज में 5 लीटर तक गंगा जल लाने की अनुमति है। चेक इन के लिए जो बैगेज जिसका इस्तेमाल आप करेंगे उसमें मात्रा को बढ़ाया गया है, 5 लीटर तक गंगा जल आप अपने साथ ला सकते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में ये सुविधा मिलेगी। अभी तक ये सुविधा इंडिगो की ओर से शुरू की गई है। माना जा रहा है कि आगे भी जो एयरलाइंस है वो इस तरह के फैसले ले सकती है। और हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन आपसे जानकारी चाहेंगे कि कब से इस फैसले पर मंथन हो रहा था। देखिएगा कि पिछले कई वक्त से इंडिगो की जो फ्लाइट थी, उन फ्लाइट के अंदर गंगा दशहरा के दिन गंगा जल लाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे के अंदर जो श्रद्धालु गंगा दशहरा पर्व के ऊपर गंगा नदी के अंदर जाते थे, स्नान करते थे, और क्योंकि उस दिन का दिन बहुत पवित्र माना जाता है और उसी दिन ये लोग अपने जो श्रद्धालु जो होते थे वापस लौटते थे, तो अपने अपने उसके अंदर फ्लाइट के जरिए जाते थे, गंगा दशहरा लाने की सोचते थे। लेकिन इंडिगो की फ्लाइट के अंदर इस तरह की सुविधा नहीं थी। ऐसे में अब इंडिगो की ओर से अनुमति दी गई है कि कैबिन के अंदर जो है 100 मिलीमीटर मतलब गंगा दशहरा ला सकते हैं और 5 लीटर से ज्यादा का लगेज के अंदर लेकर आ सकते हैं। ये सुविधा इंडिगो की तरफ से देने के वजह से एक बड़ी राहत है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे के अंदर जो लोग गंगा दशहरा के नहीं गंगा नदी जाते हैं, वहां पे स्नान करके जो वापस लौटेंगे तो अपने साथ गंगा पवित्र गंगा जल भी ला सकेंगे, ताकि अपने घर को अपने जो धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, जो अपने घर को पवित्र कर सकते हैं और अन्य चीजों के अंदर उसका काम में ले सकते हैं। जियाउद्दीन, एक और जानकारी चाहेंगे, कौन कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जिनमें गंगा जल लाने की अनुमति थी और कौन सी ऐसी जिनमें नहीं थी, और क्या इस फैसले के बाद आगे भी इस तरह की जो एयरलाइंस है वो फैसला ले सकती हैं? जी देखिएगा कि फिलहाल अभी इंडिगो की ओर से ये फैसला लिया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो अन्य एयरलाइंस हैं उसके अंदर भी इस तरह के फैसले ले लिए जाएंगे। इसके बाद जो श्रद्धालु जो होते हैं, खासतौर से जो फ्लाइट के जरिए एक जगह दूसरी जगह पे जाते हैं गंगा दशहरा के दिन स्नान करने जाते हैं, उनको ये सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल इंडिगो के अंदर सुविधा थी, अब अन्य फ्लाइटों के अंदर भी उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की सुविधा दी जाएगी। जी जियाउद्दीन, एक और जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि अभी 100 मिलीलीटर को लेकर के मंजूरी दी गई है, क्या इस मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यात्री चाहेंगे कि अपने साथ जब गंगा जल लेकर जा रहे हैं तो क्योंकि मंशा यही रहती है कि अपने परिजनों तक भी वो पवित्र गंगा जल पहुंचाया जाए, क्या मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी मंथन हो रहा है। 100 मिलीलीटर केबिन के अंदर जो फ्लाइट के अंदर लाने की अनुमति है, लगेज के अंदर आप 5 लीटर तक ला सकते हो जो मात्रा है। अगर केबिन में आप ला रहे हो तो 100 मिलीलीटर आप ला सकते हो, तो ऐसे के अंदर 5 लीटर की जो सुविधा दी गई है वो माना जाता है कि काफी है,
क्योंकि अगर आप लगेज के जरिए उसको लेकर आते हो तो 5 लीटर ला सकते हो, कैबिन के अंदर लाते हो तो 100 ml ला सकते हो, ऐसे के अंदर 5 लीटर। चलिए जी आउदिन, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमा जुड़े हैं। शिवेंद्र, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आज, क्योंकि दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व और ये बड़ा फैसला, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, गंगा दशहरा पर इससे बढ़िया कोई फैसला नहीं हो सकता उन श्रद्धालुओं के लिए जो हवाई मार्ग से गंगा स्नान के लिए जाते हैं। खासकर जो फ्लाइट, मैं जयपुर से बात करूं तो जयपुर से लोग हरिद्वार जाते हैं देहरादून होते हुए, जयपुर से देहरादून की फ्लाइट है इंडिगो की, उसमें लोग काफी संख्या में जाते हैं। इसके अलावा जयपुर से बनारस की भी फ्लाइट है इंडिगो की, बनारस में भी लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और इन दोनों एयरपोर्टों पर आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो सिक्योरिटी एरिया होता है उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो गंगा जल की कैन और बोतल होती हैं वो निकलवा के अभी तक रख ली जाती थी, क्योंकि एयरलाइंस इसको अलाउ नहीं करते थे। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है जब एयरपोर्ट पर जो गंगा नदी के आसपास हैं उनमें विवाद भी होता था, लेकिन गंगा दशहरा पर इंडिगो ने ये सुविधा दी है। और ये इंडिगो की सुविधा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश में इंडिगो का दबदबा है। जितने भी गंगा के आसपास एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून हरिद्वार के आसपास, चाहे वो बनारस हो या और भी जो गंगा के आसपास एयरपोर्ट हैं, उन सभी में इंडिगो का फ्लाइट संचालन है। और इंडिगो ने आज गंगा दशहरा के मौके पर ऐलान किया है कि 100 मिलीलीटर गंगा जल आप अपने केबिन बैग में ला सकते हैं, और 5 लीटर बड़ी तादाद कहा जाएगा इसको, 5 लीटर गंगा जल आप ला सकते हैं चेक इन बैगेज में। और आप सोचिए कि जो लोग इतना किराया खर्च करके हरिद्वार जाते हैं इंडिगो की फ्लाइट से, जो लोग बनारस जाते हैं उनको अगर गंगा जल नहीं वो ला पाते थे तो अभी तक उनको बड़ी निराशा होती थी, क्योंकि उनको नियमों की भी जानकारी नहीं थी। अधिकतर लोग तो एयरपोर्ट पहुंच जाते थे गंगा जल लेके, उसके बाद उसके गंगा जल को बाहर रखवा दिया जाता था। लेकिन इंडिगो ने आज ये गंगा दशहरा के मौके पर सौगात दी है, और जो लोग गंगा दशहरा गंगा स्नान के लिए जाते हैं इंडिगो की फ्लाइट से, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि अब वो अपनी हवाई यात्रा में गंगा जल कैरी करके ला सकेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, इंडिगो ने निराश नहीं किया और श्रद्धालुओं के लिए भावुक कर देने वाला पल, क्योंकि जहां विमान से हरिद्वार पहुंचते थे अब गंगा जल भी वहां से लेकर जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए।